नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का बागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पर। डूंगरपुर शहर में चल रहा था गलत काम, 8 महिला समेत 11 को पुलिस ने किया गिरफ्तार। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज का बिजली कनेक्शन कटेगा या रहेगा, जानिए खबर में। राज्य सरकार का आदेश, महाराष्ट्र केरल से आने वालों को कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। बागड़ में बिनेश्वर मेला हुआ शुरू, क्या रखनी होगी सावधानियां, जानिए इस खबर में। बागड़ के बड़ौदिया में पागल कुत्ते ने काटा 15 लोगों को। और अब खबरें विस्तार से। शहर के तहसील चौराहा के पास सैफी कॉम्प्लेक्स में स्थित आशीर्वाद गेस्ट हाउस पर शुक्रवार को डीएसपी के नेतृत्व में डीएसटी व कोतवाली पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान अनैतिक व्यापार में लिप्त 8 महिलाओं, गेस्ट हाउस संचालक समेत 11 लोगों को पूछताछ के लिए कोतवाली थाने ले जाया गया। इनसे पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला स्पेशल टीम को शहर के सैफी कॉम्प्लेक्स में स्थित आशीर्वाद गेस्ट हाउस पर अनैतिक व्यापार की शिकायत मिली थी। सूचना विश्वसनीय होने पर डूंगरपुर डीएसपी मनोज सामरिया के नेतृत्व में दबिश दी गई। गेस्ट हाउस के एक कमरे में 8 संदिग्ध महिलाएं पाई गई, अन्य 2 कमरों में 2 पुरुष मौजूद मिले। पुलिस ने गेस्ट हाउस में मौजूद लोगों के रजिस्टर में एंट्री मांगी तो संचालक विक्रम सिंह रजिस्टर में से किसी की भी एंट्री नहीं दिखा पाया। इस पर अनैतिक व्यापार में इनकी संलिप्तता का दावा किया जा रहा है। इस पर पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड निवासी गेस्ट हाउस संचालक विक्रम सिंह, पुत्र रूप सिंह भोजाता का ओडा निवासी हरीश चंद्र, पुत्र कृष्णलाल शास्त्री कॉलोनी निवासी राजेश, पुत्र जयंतीलाल, 8 महिलाओं समेत 11 जनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की ओर से गिरफ्तार की गई महिलाएं डूंगरपुर जिले के विभिन्न गांवों की बताई जा रही है। कार्यवाही के दौरान कोतवाली थानाधिकारी दिलीप दानचारण, डीएसटी व पुलिस जाप्ता मौजूद रहा। आपको बता दें कि दरअसल तहसील चौराहा के पास निजी कॉम्प्लेक्स में आशीर्वाद गेस्ट हाउस में अनैतिक व्यापार लंबे समय से चल रहा है। वहीं पिछले दिनों पुलिस ने साबला व सागवाड़ा में दबिश देकर अनैतिक व्यापार के मामले में होटल पर छापा मारा था। यहां पर विदेशी युवती को अनैतिक व्यापार के लिए लाया गया था। इस पर पुलिस ने पीटा एक्ट में कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अनैतिक व्यापार के लिए दलाल युवतियों से संपर्क में रहते हैं, इन्हें डूंगरपुर जिले में लाने का काम करते हैं। मेडिकल कॉलेज का बिजली कनेक्शन कटने का मामला एक बार भी टल गया है। डिस्कॉम की ओर से 11 लाख रुपए से अधिक का बिल बकाया है। कलेक्टर सुरेश कुमार ओला के दखल के बाद डिस्कॉम ने 1 मार्च तक की मोहलत दी है। पहले यह मोहलत 26 फरवरी 2021 तक थी। कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज को इस समस्या से उबारने के लिए राज्य सरकार ने मार्गदर्शन मांगा है। मेडिकल कॉलेज के पास स्वयं का स्थायी कनेक्शन नहीं है तथा ठेकेदार के अस्थायी कनेक्शन से बिजली उपभोग किया, लेकिन नियमानुसार मेडिकल कॉलेज दूसरे के नाम कनेक्शन का बिल जमा कर नहीं सकती है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज क्या करे, क्योंकि ठेकेदार ठेका समाप्त कर चुका है। मेडिकल कॉलेज बिल जमा नहीं करती है तो कनेक्शन कट जाएगा और मेडिकल कॉलेज के पास स्वयं का कनेक्शन फिलहाल है नहीं। अभी राज्य सरकार की ओर से फिलहाल कोई निर्णय नहीं आया है। निर्णय आने में 3-4 दिन का समय लग सकता है, तब तक कनेक्शन नहीं कटेगा। मेडिकल कॉलेज को जब इस परेशानी में देखा तो कलेक्टर ओला ने आगे चलकर प्रिंसिपल विद्युत विभाग एसी एनबीसीसी अधिकारियों को बुलाकर बैठक ली। बैठक में प्रिंसिपल श्रीकांत असावा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में 17 अगस्त 2018 को एमबीबीएस छात्रों का पहला बैच आया था। जुलाई 2019 में मेडिकल कॉलेज ने स्थायी कनेक्शन के लिए 1,17,00,000 रुपए जमा किए थे। विद्युत विभाग ने करीब 1 माह में सुरपुर पावर हाउस से मेडिकल कॉलेज तक खंभे गाड़ते हुए विद्युत लाइन बिछाई और स्थायी कनेक्शन कॉलेज के मेन गेट तक पहुंचा दिया, लेकिन एनबीसीसी जो कि भवन निर्माण एजेंसी के द्वारा कॉलेज के विद्युत सप्लाई के लिए पावर ग्रिड तैयार नहीं की गई। पावर ग्रिड अभी भी तैयार नहीं है तथा स्थायी कनेक्शन मेन गेट पर ही है। ऐसे में ठेकेदार के अस्थायी कनेक्शन जो कि ठेकेदार ने भवन निर्माण करने के लिए लिया था, इससे ही कॉलेज को सप्लाई जारी रखनी पड़ी। जून 2019 में ठेकेदार अपना ठेका खत्म करके चला गया। पावर ग्रिड को तैयार करने में एनबीसीसी भी लापरवाह बनी रही और इधर कॉलेज की विद्युत सप्लाई अस्थायी कनेक्शन से ही चलती रही। महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रमुख शासन सचिव गृह विभाग के आदेश की पालना में कलेक्टर सुरेश ओला ने यह आदेश जारी किए हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश में जिला परिवहन अधिकारी को आने वाले यात्रियों के वाहनों में निगरानी रखवाई जाने तथा कोई भी व्यक्ति बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के जिले में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वागड़ प्रयाग बिनेश्वर धाम पर बिनेश्वर मुख्य मेला शनिवार को भरेगा। इसमें बड़ी संख्या में माओ भक्त सम्मिलित होंगे। शनिवार सुबह माओ भक्त साबला हरि मंदिर से भगवान निष्कलंक एवं बिनेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्युतानंद महाराज की पालकी को ढोल नगाड़े के साथ लेकर बिनेश्वर धाम पहुंचेंगे। यहां भगवान एवं महंत को
का ही स्नान करवाया जाएगा। इसके बाद महंत धाम पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करेंगे। वहीं माओ भक्त भगवान एवं महंत के दर्शन लाभ के साथ आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन इस वर्ष कोविड-19 के कारण पालकी यात्रा एवं शाही स्नान सरकार एवं जिला प्रशासन के गाइडलाइन की पालना करते हुए सांकेतिक रूप से सभी धार्मिक क्रियाएं क्रियान्वित किया जाएगी। बागड़ में धर्म अध्यात्म का बड़ा केंद्र है। यह करीब 300 साल से पूर्णिमा पर मुख्य मेले भरते हैं। सालों तक मेला सादगी धर्म और अध्यात्म को ही समर्पित रहा। पूजा अर्चना और ध्यान साधना के साथ तर्पण अर्पण के पुण्य कर्म से अपना पूर्वजों की मोक्ष कामना का मेला समर्पित था। समय के साथ मेले का स्वरूप बदला और मेला धर्म अध्यात्म का बड़ा केंद्र बन गया। अब तक मेले में महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती थी। कोरोना के चलते इस बार मेले में श्रद्धालु कम संख्या में पहुंच रहे हैं। कस्बे में पिछले 24 घंटे में कुत्ते के काटने से बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक 12 लोग जख्मी हो गए। गंभीर रूप से घायलों को बड़ौदिया, बागीदौरा और बांसवाड़ा अस्पताल में इलाज करवाया गया। गुरुवार को 15 साल का प्रसीश पुत्र विनोद पटेल सुबह स्कूल जा रहा था कि रास्ते में कुत्ते ने पैर पर काट कर पूरा मांस नोच लिया। प्रसीश को उसके पिता तुरंत अस्पताल ले गए। घाव इतना गंभीर था कि तुरंत 9 टाके लेने पड़े। कुत्ते ने सीधे प्रसीश के पैर को अपने मुंह में दबोच लिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके अलावा रतन लाल नाई, मन्ना लाल पुत्र रूपेंग, लाल सिंह पुत्र मानेंग पटेल, अनीता पत्नी राजेश शुक्ला, अयान पुत्र जुबेर, जितेंद्र थाबरा, रिद्धि पुत्री दिनेश, विशाल, अशोक भोगीलाल, जयू पुत्र केदार रावल को कुत्ते ने काट कर जख्मी कर दिया। कस्बे में कुत्ते का इतना कहर है कि गुरुवार और शुक्रवार को लोग घरों से बाहर निकलने में भी डरते रहे हैं। जिस गली में जो भी निकला कुत्ते ने उसे काट लिया। कुत्ते के कहर के कारण लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।